कोविड में अभी भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। हमने वादे किए थे कि पीआईए को ले आएंगे, पीआईए नहीं आए। आज आप टेलीफोन करो, कोई टेलीफोन नहीं उठाता है। आईडी कार्ड्स अभी भी जो है वो साल साल तक नहीं आ रहे हैं। पासपोर्ट के लिए जो अभी भी लंबी लाइनें हैं। लेकिन हम भी इंसान हैं, हमारे कुछ मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है कि मैं 20% भी कामयाब नहीं हुआ। मैं कोशिश करूंगा जितना वक्त, 3 साल मुझे हो गए हैं, चाहे मैं 1 दिन रहता हूँ, 1 साल रहता हूँ, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश ये होगी कि मेहरबानी करके अपने जो शनाख्ती कार्ड वगैरह के सिलसिले में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको कोशिश करें कि पहले अपने पेपर्स को इन ऑर्डर करें, क्योंकि बहुत मरतबा हमारे बहुत से दोस्तों को पता ही नहीं होता है कि आईडी कार्ड अगर वैलिड नहीं है तो पासपोर्ट बन ही नहीं सकता। वाकई में लड़ाइयाँ चल रहे होते हैं। मेरे स्टाफ वाले कहते हैं कि सर आपने इनको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। मैंने कहा यार खुदा को मानो, इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरी खुदा की कसम खा के बता रहा हूँ, रोजाना उनसे लड़ाई हो रही है, रोजाना उनसे लड़ता हूँ। इसी वजह से मैंने कहा देखिए जिस दिन तक मैं यहाँ पे हूँ ये काम इस तरह से नहीं कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन आप लोगों के भी तामन की जरूरत है, आप लोग भी उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें। एक बंदा जो खिड़की पे सुबह 9:30 बजे से बैठा हुआ है, अब सारे तो लोग बहुत अच्छे नहीं होते ना, कभी कभी वो भी आके जो जज्बात में आपके साथ बात कर रहे होते हैं, वो भी आपकी एक तरह के भाई हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि थोड़ा सा सब्र और तहमुल के साथ उनकी बातों को सुने। सर मैं आपको दोबारा जो है बार बार देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो है सबको हमेशा बरकरार रखेंगे।